नमस्कार, क्रिक क्रिक लाइव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 23 अक्टूबर 2022 सुपर संडे है, क्योंकि आज छोटी दिवाली है, आज आयुर्वेद दिन भी है, इसलिए हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा मुकाबला। भारत अपना कैंपेन शुरू करेगा आज ट्राइबल्स पाकिस्तान के साथ। और 2007 इनॉग्रल एडिशन से लेकर अब तक 15 सालों में आपको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने रहे हैं 6 बार, जिसमें 5 बार भारत जीता है, 1 बार पाकिस्तान। आज दोनों टीमें 7वीं बार आमने सामने होंगी। क्या कुछ हो सकता है आज के मुकाबले पर और अब तक इतिहास से हमने क्या कुछ सीखा, इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ यहाँ दूरदर्शन स्पोर्ट्स के दिल्ली स्टूडियोज में 2 मेहमान हैं। मैं हूँ अमित और चर्चा के लिए मेरे साथ हैं विजय दहिया, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर, स्वागत है आपका। शुक्रिया अमित। साथ ही मुनीष जौली हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, आपका भी अभिनंदन। थैंक यू सो मच अमित, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, और सभी लोगों को जो भी देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया पाकिस्तान ऑलवेज अ क्रैकर ऑफ अ मैच। क्रैकर्स बैन है। गुड वन। आई थिंक अभी आपने कहा ना क्या होने वाला है, क्या सवाल। लास्ट ओवर अगर हम देखें, और आई रिमेम्बर आरपी सिंह ने एक अपना जो सेकंड स्पेल, जो दूसरा स्पेल डाला था बाद में आके, दैट वाज टेरिफिक। शुरू में थोड़ा सा शेकी लग रहे थे, लेकिन उसके बाद इंडिया मेड अ कमबैक एंड टाई हुआ, तो यू नो दिवाली वहाँ पे जैसे सेलिब्रेशन से एक एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि एक नया फॉर्मेट आ रहा था बॉल आउट का। बट उससे पहले अगर हम बात करें, उथप्पा प्लेड अ गुड नॉक, मिसबाह उल हक प्लेड अ वेरी गुड नॉक फॉर पाकिस्तान। सो ऐसा लग रहा था इवन स्टीवंस चल रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहा था उस गेम में जी। लेकिन बॉल आउट का उस समय पता था खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को भी कि ये भी होता है कुछ? पता तो T20 का भी नहीं था कि किस तरीके, आप देखिए, आप एक पूरी देखिए किस तरीके से ना एक चेन सी बन जाती है। जो प्रमुख खिलाड़ी थे हमारे, उन्होंने मना कर दिया था, एक नया फॉर्मेट है उसके लिए जाने के लिए, एक नई टीम भेजी गई थी ये देखने के लिए कि किस तरीके से। और उस समय के अगर आप आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे या अगर आप नवस दबा के ये देखना चाहेंगे कि लोग सोच क्या रहे थे इस फॉर्मेट के बारे में, तो पता चलेगा कि कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं था इस फॉर्मेट के बारे में। तो कितने रन होने चाहिए, आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए, पहले 6 ओवरों की क्या महत्वता है, आपको फिनिश कैसे करना है, कौन सा खिलाड़ी कहाँ खेलेगा, वो सारी चीज़ें उसकी तैयारी नहीं थी। एक फॉर्मेट था जिसमें आप ये देखना चाहते थे कि भाई किस तरीके से ये चलेगा और क्या होगा। पोल आउट तो फिर उसके बाद और चीज़ें हो गया। आप पोल आउट छोड़िए, उसके बाद की धारणाएं देखिए आप, बहुत सारे लोगों ने क्या कहना शुरू किया, महेंद्र सिंह धोनी क्लास, देखो विकेट के पीछे खड़े थे तो गेंदबाज जो थे वो जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके पास एक टारगेट था, महेंद्र सिंह धोनी से पहले विकेटें थी, टारगेट वो था। लेकिन वहां जब तारीफ करने आप लगते हैं ना, और जिन जिन ने मिस किया पाकिस्तान की तरफ से, जिन लोगों ने मिस किया, और अगर आप पोल आउट में देखेंगे जिन लोगों ने भारत की टीम से पोल आउट किया, वो भी आपको अलग अलग लोग नजर आएंगे। चयन कैसे करते हैं मुनीश, तीन का चयन कैसे हुआ? आई थिंक यू नो आई वाज लकी टू हियर दैट इंटरव्यू ऑफ महेंद्र सिंह धोनी वेयर ही मेंशनड हाउ दे प्रिपेयर्ड फॉर द पोल आउट। वो कह रहे कि नया फॉर्मेट था, जैसे विजय ने कहा किसी को पता नहीं था कि क्या करना है, प्रिपरेशन हो रही थी T20 की, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा एक और चीज़ है इस फॉर्मेट में, वो बोल आउट का है, तो हम वो प्रैक्टिस करेंगे, या प्रैक्टिस सेशन से पहले वार्म अप करके करना है, वार्म अप से पहले तो हम तैयार करेंगे, और अगर बोल आउट होता है तो हम उन्हीं लोगों को लेंगे जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, जो जैसे क्रिकेटर कहते हैं डंडे पे मार रहे हैं, है ना। और उसमें उन्होंने देखा सहवाग अच्छा डाल रहे हैं, उथप्पा डाल रहे हैं, तो ये नहीं कि ऑन द स्पॉट उन्होंने हरभजन और ये तीनों ने जो है वो जो स्टंप को वो हिट किया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो, जैसा विजय कह रहे थे, ठीक है महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे विकेट के पीछे, लेकिन 3 विकेटों पे किस किस की बॉल नहीं लगी पाकिस्तान की तरफ से, उनके मेन बॉलर उमर गुल, शाहिद अफरीदी, 3-0, इट वॉज लाइक अ टाई ब्रेकर यू नो फुटबॉल, 3 शॉट इन्होंने मारे तो आपने मिस किए, बाहर हो जाओ। सो ही सेड दैट कि ये जो प्रेपरेशन चल रही थी, हम T20 के फॉर्मेट में हर प्रैक्टिस सेशन में इसे प्रैक्टिस कर रहे थे। एक और चीज़ अगर आप सिर्फ क्रिकेटिंग एंगल अगर इसमें जोड़ना चाहें ना, क्योंकि आप दो तरीके से कल जब मैच को देखते हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। जब आप एक स्पिनर की बात करते हैं ना और वो गेंदबाजी करता है, तो उसके आउट करने के ज़्यादातर तरीके क्या होते हैं, वो विकेट पे गेंदबाजी करता है। आपने वही चीज यहाँ पर देखी, जो भारतीय तीनों गेंदबाज रहे, स्लो गेंदबाज पकड़े, स्लो गेंदबाज जी। देखिए यही स्ट्रेटजी है, और इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई 2007 में। और हालांकि भारत ये डरबन वाला मैच जीत गया था, मैन ऑफ द मैच बने थे मोहम्मद आसिफ जिन्होंने 4 विकेट लिए थे, और फिर दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंची। फाइनल तो आपको याद है ना 2007 में, जब 4 गेंदों पे 6 रन चाहिए थे और मिसबा ने एक स्कूप किया स्ट्रेट इन द एयर एंड श्रीसंत कैचेस इट एट द शॉर्ट फाइंड डेग। ये देखिए स्कोर कार्ड,
तो यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार थी कि भारत ने यहाँ टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गौतम गंभीर ने 75 रन बनाए थे, कई बार कहते हैं द अनसंग हीरो, उन्होंने टॉप स्कोर किया था यहाँ पर भी और 2011 जो ODI वर्ल्ड कप था उसमें भी, और 157 रन 5 विकेट पर विजय, 5 रनों से भारत जीता था। इधर आप देखिए जो पहले मैच आपने देखा था ना, यहाँ फाइनल तक पहुँचते किस तरीके से स्कोर भी 15-20 रन और बढ़ गया। तो जब आप उस फॉर्मेट को खेलते गए तो समझ आया कि इस फॉर्मेट में थोड़े से और ज़्यादा रनों की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको चलना है। आखिरी में जब थे ना तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गेम पाकिस्तान का था, आपने नर्व होल्ड करने के लिए भी अगर जो खिलाड़ी किस क्रीज पे होने चाहिए वो भी थे, पर वो ऑप्शंस आपने क्या थी, किस तरीके से क्या ऑप्शन ली, और जोगिंदर हीरो जिसकी हम बात करें, आपने आज इंट्रोडक्शन में 3-4 चीजें बोली उनका भी नाम जोड़ दीजिए, आज जन्मदिन है जोगिंदर शर्मा का, तो इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है कि उस दिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है जिस दिन जोगिंदर ने एक इतिहास रचा था। लेकिन कमाल का गेम था, अगर पूरे ग्राउंड पे आप नजर डालें बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास शायद इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर जोगिंदर को गेंद देना वो भी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह था, ये कि नथिंग टू लूज है, आप इनको गेंद दीजिए, उतनी ज्यादा कुछ सोच के साथ आप आएंगे नहीं। लेकिन कई ऐसे मैचेस रहते हैं ना जिनसे हर चीज़ बदल जाती है, और मुझे लगता है कि एक जो 83 में बदली थी और फिर 2007 की इस वर्ल्ड कप विन ने भी काफ़ी सारी हमारी जो मानसिकता है या किस तरीके से इस गेम को खेल सकते हैं वो सारी चीज़ें भी बदली। मनीष, यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम वॉज फॉर मी, ठीक है, गौतम गंभीर प्लेड अ वेरी स्टेबल नॉक, यू नो उनका रहना बहुत जरूरी था क्योंकि एकदम से धड़ाधड़ विकेट गिरने शुरू हो गए। यूसुफ पठान आए, छोटी नॉक खेली, बड़ा इंप्रेसिव, मोहम्मद आसिफ को छक्का मार दिया लेकिन आउट भी हो गए, तो दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे। लेट अस नॉट फॉरगेट कि उस मैच में एक और शख्स था जिसने 30 रन बनाए थे और बहुत इंप्रेसिव बनाए थे, रोहित, और उसने एक शॉट मारा था फाइन लेग पे, वो जो आज मारता है और उसके लिए मशहूर भी हो गया और वो कप्तान है। तो 2007 का पहला वर्ल्ड कप और ये वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक भी उस स्क्वाड में थे, बट लेट अस नॉट फॉरगेट क्योंकि रोहित ने वो जो रिकवरी की ना उसकी बदौलत हम स्कोर पे पहुंचे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मनीष यहां पे बता रहे हैं कि रोहित शर्मा 2007 वाले स्क्वाड में भी थे और 2022 में जो टीम पहुंची है वहां पर रोहित कप्तानी कर रहे हैं, तो पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहते हैं। हाल ही मैंने ओम राउत को इंटरव्यू किया था, फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने अजय देवगन की फिल्म तानाजी डायरेक्ट की है, तो फिल्म का नाम था तानाजी द अनसंग वॉरियर, और जब अभी नेशनल अवार्ड मिला तो ओम राउत ने बोला नो लॉन्गर अनसंग क्योंकि अब तो पिक्चर सुपरहिट हो गई। गौतम गंभीर, इज ही द अनसंग वॉरियर? आई थिंक अगर आप इंडिविजुअली उनसे पूछेंगे तो ही इज थ्रिल्ड व्हाट ही इज डन। आप मैंने काफ़ी समय उनके साथ व्यतीत किया है, चाहे वो डेली ड्रेसिंग रूम की बात करें, IPL टीमों की बात करें, जब भी किसी कंपटीशन में उतरते हैं या जब भी किसी जगह जाते हैं तो उनका मेन मकसद ये रहता है कि टीम कैसे जीतेगी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को काफ़ी पीछे रखते हैं। मुझे लगता है पिछले कुछ समय में जब IPL के बारे में बात करते हैं या उनकी कप्तानी के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कप्तान उतना ही अच्छा है जितनी उनकी टीम, तो इन सब मामलों में मुझे लगता है कि इंडिविजुअली वो आपको कभी उस चीज़ के बारे में इतनी बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जब आप, मैं या लोग उन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो फिर जो ड्यू उनको मिलना चाहिए वो मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात और लोग करें। जी बिल्कुल, क्योंकि हालांकि टॉप स्कोर किया गौतम ने, 75 रन बनाए, लेकिन इरफान पठान ने 3 विकेट लिए थे, तो ये जो फाइनल मुकाबला भारत जीता उसमें मैन ऑफ द मैच इरफान पठान के नाम गया था। चलिए 2007 से आगे की बात करते हैं, 2009 में जो मुकाबला हुआ तो उसकी मेज़बानी तो इंग्लैंड ने की थी लेकिन तब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हुआ था। फिर 2010 में तीसरा संस्करण हुआ T20 का जिसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज ने की थी, वहां पर फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हुआ। यानी अगला जो स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2012 का है, ये दूसरी बार था 2007 के बाद जब दोनों टीमें आमने सामने थी। अब 2012 में क्या हुआ इस पर नजर डालिए। तो मनीष, यहां पर विराट कोहली आए और फिर मैन ऑफ द मैच भी बने 78 रन नाबाद। देखो आप जिस एरा की अब बात कर रहे हो ना, यहां से विराट कोहली जो एक तरीके से पीक कर गए थे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे 2012 की, 2011 में हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी थी, उसके बाद विराट कोहली का नाम थोड़ा सा बढ़ रहा था, हालांकि ये कप्तानी उनकी शुरू नहीं हुई थी, बट ही वॉज वन प्लेयर दैट पीपल सेड लाइक यू नो ही इज गॉट दैट एबिलिटी टू प्ले बिग इन बिग गेम्स, राइट, एंड ही इज अ बिग टेम्परामेंट, बिग मैच टेम्परामेंट प्लेयर। तो आई थिंक यहाँ से वो रूल करने लगे एंड ही लव्स टू टेक चैलेंजेस। यू नो हमारे क्रिकेट टीम में, इंडियन टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, गौतम गंभीर उनमें से एक हैं जो चैलेंज लेना जानते हैं ना, बट जैसा आपने कहा वो एक अनसंग हीरो थे, क्यों, क्योंकि 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसके फाइनल में भी ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर, मिस्ड हिज सेंचुरी, बट पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट सिक्स विद धोनी हिट, बट अगेन उस सिचुएशन में गौतम गंभीर ने जिस तरीके से वो जो पारी बनाई थी, फॉर मी ही वाज द बेस्ट पर्सन ऑन दैट गेम। वैसे विराट कोहली के साथ उल्टा हो रहा था कि दैट ही वाज अ हीरो, एवरीबॉडी वाज सिंगिंग अबाउट हिम, राइट, टू टैलेंटेड प्लेयर्स बट यू नो विद डिफरेंट डायमेंशन। दो बातें यहाँ पे, जैसे मनीष ने अभी गौतम गंभीर की पारी के बारे में बात करी और कह रहे हैं कि लोग
ज़्यादातर अगर आप देखें तो वो जिक्र उस छक्के का होता है, लेकिन आप क्रिकेटर्स से बात करेंगे ना, श्रीलंका के क्रिकेटर से साथ कर, चाहे वो बेलिस जो उस समय के कोच थे या महिला या संगा, देवर सिंह की विकटें हम ले रहे थे लेकिन प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि दूसरे एंड से गौतम चौका मारते थे या उस स्कोरबोर्ड को चलाते रहे। अगर आपका स्कोरबोर्ड चलता है ना तो फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है। तो ये उस तरीके की इनिंग थी। आपने कहा 2007 में हम खेले और उसके बाद हम 2012 में खेले, हम पाकिस्तान से 2012 में खेले, लेकिन ये फॉर्मेट के तब तक हम अच्छे खासे बाजीगर हो गए थे, क्योंकि 2008 में आईपीएल आ गया था और 2008 के आईपीएल आने के बाद T20 का जो फॉर्मेट है, वाइट बॉल क्रिकेट की जो हमारी जो सोच जिस तरीके से चलने लगी, और इंटरनेशनल गैप जो था, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो क्रिकेट का गैप था, वो आईपीएल ने बहुत कम कर दिया था। उसके बाद आप हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे, और इसमें भी अगर आप देखेंगे, हम बल्लेबाजों की बात तो कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ 2 विकेट पे चेज किया, आपको तारीफ गेंदबाजों करने की करनी पड़ेगी। 128 पे ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान को, बिल्कुल, और वो भी पहले गेंदबाजी करते हुए, बालाजी थे, अश्विन थे, कोई इस तरीके की गेंदबाजी नहीं थी, लेकिन अश्विन भी अपनी पीक पे थे। पीक पे जब हम बात करते हैं ना तो बल्लेबाजों की ज्यादा बात करते हैं, गेंदबाजों की कम करते हैं, तो अश्विन भी अपनी पीक पे थे और उस समय बालाजी वो भी उतना ज्यादा खेले नहीं जितना उनको खेलना चाहिए था, तो 128 पे रोकना ही एक मायने में जीत थी। जी बिल्कुल। तो यानी अब तक का जो हमने सफर देखा, 2007 में 2 बार हराया, 9 और 10 में तो खेले ही नहीं, और 12 में 3री बार हराया, यानी विश्व कप में चाहे ओडीआई हो या T20, अब तक पाकिस्तान ने भारत को भी हराया नहीं था। यह सिलसिला जारी रहा 2014 में भी, जब बांग्लादेश मेजबानी कर रहा था और दोनों टीमें वहां बांग्लादेश में भी खेली थी। यह रहा स्कोर कार्ड। तो बांग्लादेश में भारत ने टॉस जीता था, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, तो पाकिस्तान ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 130 रन बनाए 7 विकेट खोकर। उमर अकमल ने सर्वाधिक 33 रन का योगदान दिया, अमित मिश्रा ने 2 विकेट चटकाई थी, मैन ऑफ द मैच बने थे। जवाब में भारत ने 19वें ओवर में ही 131 रन बना लिए थे। मुनीश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि इससे पहले एशिया कप भी हुआ था, ठीक एक महीना पहले फरवरी में, जहां पे भारत और पाकिस्तान खेले थे, भारत ने वन साइडेड पाकिस्तान को उसमें हराया था। उसके बाद यहां पे T20 का वर्ल्ड कप हुआ, बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पे। ये वाला जो गेम था, यहां पे हमारे जो बोलर्स हैं ना, उन्होंने धराशायी कर दिया था पाकिस्तान की टीम को। अगेन अगर आप देखो कि 20 ओवर के मैच में अगर 130 रन एक टीम बना रही है, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इंडिया वॉज लाइक देन बिकमिंग अ सुपर पावर विद एवरी फॉर्मेट, यू नो दे आर ट्राइंग टू ग्रिप एवरी फॉर्मेट। इसमें फिर अगर आप देखोगे, ठीक है रैना और विराट कोहली के नाम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चीज शुरू हो गई थी। अगर आप पन्ने पलट के देखें, ये एक आखिरी इंडिया पाकिस्तान का एक गेम था यार, जहाँ पे हमारे टॉप 3 ने अच्छा परफॉर्म किया था। धवन थे, रोहित थे, विराट कोहली, द टॉप 3 परफॉर्म, एंड रैना, देन चिपडिन। आई वुडंट से चिपडिन, बट देन ही कंसोलिडेटेड इंडियाज पोजीशन। लेकिन इसके बाद का जो एरा था ना, उसमें टॉप 3 को लेके क्या हुआ वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ अच्छी बात, अमित मिश्रा ने 2 विकेट ली, मैन ऑफ द मैच अपनी गेंदबाजी के लिए बने। अमित मिश्रा आज भी अगर आप मुझसे पूछें, हम चहल के बारे में बात करते हैं, उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है, लेकिन जो जब आप क्रिकेट देखते हैं और कुछ सीखने की या समझने की कोशिश करते हैं, तो जो वर्क उनके पास है ना, जिस तरीके से गेंद उनके हाथ में निकलती है, जिस तरीके से जो कंट्रोल उनके पास है, वो लाजवाब है। पिछले कुछ समय से आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, आईपीएल के अंदर भी देखें तो सबसे ज़्यादा विकटें उनके नाम पर, फिर भी चर्चा नहीं होती क्योंकि बल्लेबाजों के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। और किन के खिलाफ, कई बार आपको ये भी देखना चाहिए, जब आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, वो स्पिन बढ़िया खेलते हैं, उन टीमों के खिलाफ जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो फिर उस उनका उन प्रदर्शन का जो आपकी सोच है या उन प्रदर्शन को जिस तरीके से आप आंकते हैं ना, वो और ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। जी, एंड जस्ट टू ऐड ऑन, आई थिंक ही हैज गॉट हैट्रिक्स इन T20 फॉर्मेट्स, व्हिच इज अ बिग थिंग। आई मीन गेटिंग अ हैट्रिक इन दैट शॉर्ट फॉर्मेट स्पीक्स अबाउट द कैलिबर। जी बिल्कुल। तो 2014 जिसकी मेजबानी बांग्लादेश ने की, ये चैंपियन तो यहाँ पे श्रीलंका बने थे, और उसके बाद 2016 इंडिया ने मेजबानी करी। 2007 से 9 साल लग गए, इतना लेट मिला मेजबानी भारत को। आप अगर पूरे उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि हर चीज़ की मेजबानी हमारे पास है। कई बार हम बाहर रहते हैं ना, सारी चीज़ें जीत रहे होते हैं, फिर बाद में देते हैं, घर पे आएगा तो देखेंगे। जो कैलेंडर है, ऑन अ सीरियस नोट, वो कैलेंडर कुछ इस तरीके से बनता है कि आपको कब किसको वो अलॉट होंगे और कब किसके खिलाफ खेला जाएगा, तो शायद इस लिहाज से थोड़ा समय लग गया। जी बिल्कुल। लेकिन 2016 में जब भारत ने मेजबानी की थी, तो ईडन गार्डन्स कोलकाता आपको याद होगा, और वहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। ये देखिए स्कोर कार्ड एक बार फिर से, भारत यहां पर विजयी रहा था। टॉस भारत ने जीता था, इस बार पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि वेट आउटफील्ड थी, लिहाजा 2 ओवर डॉक कर लिए गए थे। 18 ओवर में पाकिस्तान ने 118 रन 5 विकेट पे बनाए। शोएब मलिक ने सर्वाधिक 26 रन और अहमद शहजाद ने 25 रन। सुरेश रैना ने 1 विकेट, जडेजा ने 1 विकेट और विजय 119 4 विकेट पर 16वें ओवर में। तो ये भी एक आसान जीत कह सकते हैं, 6 विकेटों से जीता था भारत। बिल्कुल आप आसान जीत कह सकते हैं। आपने कहा कि आउटफील्ड थोड़ी नमी थी उसमें, इसलिए मैच हुआ,
पर पिच बहुत बढ़िया है वहाँ की, और उस पिच के ऊपर अगर आप इस तरीके के स्कोर बनाते हुए नजर आएंगे तो थोड़ा पिछले अपने जितने भी हमने स्कोर्स देखे ना उनमें अगर आप देखें तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आपने जो पाकिस्तान की असली ताकत है गेंदबाजी उनको कुछ दिया हो। अगर आप अच्छे रन बोर्ड पर लगाते हैं तो फिर आप दूसरी टीमों को थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा स्कोर नहीं है जिस पे आप अपोजिशन को तंग कर सकते हैं। मनीष, एक और अर्धशतक विराट के बल्ले से। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि यहाँ से वो चीज़ शुरू हो गई जिसके बारे में हम आगे चल के भी बात कर सकते हैं। इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़खड़ाने लगा क्योंकि पावर प्ले में हमारे दो विकेट गिर जाते थे एंड वी वर लाइक व्हाट टू विकेट्स डाउन फॉर सिक्स रन्स एंड देन तीन विकेट गिर गए 16 पे। तो ये वही मैच था और दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन्होंने खिलाए थे जिसमें से एक मोहम्मद इरफान भी थे। अच्छा, और ठीक है आमिर तो कर ही रहे थे बॉल, विकेट थोड़ा ग्राउंड थोड़ा सॉगी था बट अच्छे कंडीशंस थे। आई रिमेंबर बिकॉज आई कवर द फाइनल ऑफ 2016 T20 वर्ल्ड कप एंड यू नो स्टोक्स को जिस तरीके से छक्के पड़े, तो ये बड़ा एक यादगार मैच है इंडिया पाकिस्तान का भी। यहाँ सेलिब्रिटीज सारे आए हुए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इमरान खान यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि जो बंगाल की जो स्पोर्ट्स जो बोर्ड है उन्होंने कहा कि जितने हमारे जो डेलीगेट्स हैं ना जो इंटरनेशनल फेम के उन सबको बुला के लाओ। बट यहाँ जिस तरीके से रिकवरी की ना विराट कोहली ने, और साथ कौन था, युवराज सिंह। सो दैट वॉज एन एरा वे युवराज वॉज मेकिंग अ कमबैक, धोनी केम इन और उन्होंने फिनिशिंग टचेस दिए, तो एक यादगार मैच था ये। जी, एक यादगार बात और भी है कि यहाँ 2016 में जब भारत ने मेजबानी की थी तो वेस्ट इंडीज चैंपियन बना था, 2012 में भी वेस्ट इंडीज बना था, इकलौती टीम है जिसने दो बार वर्ल्ड T20 जीता है, पहले राउंड में बाहर हो गए इस बार। टीम देखें आप उनकी आप कई बार सोचते हैं यार कई टीमें जिनके पास कुछ है और आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कमाल की जगह है। एक प्लेयर खुद बोलता है कि मेरी फ्लाइट चेंज कर दीजिए, वो फ्लाइट चेंज करते हैं, उसके बाद वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाता है, उसको आप वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर देते हैं। ऐसे कई किस्से हैं उनके यहाँ पे, अच्छी खबर है क्रिकेट के स्वास्थ्य के लिए, एक वो अच्छी खबर है जिसके बारे में आप जैसे बात कर रहे हैं ना, आप अगर आप क्रिकेट देखना चाहते हैं और उनके जितने खिलाड़ी वर्ल्ड ओवर खेल रहे हैं और उसके बाद अगर कहें कि वो 11 अच्छे खिलाड़ी, अगर कोई मुझसे ये कहे कि ये बेस्ट टीम थी जो उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट करी थी, बिल्कुल नहीं। जब आप बेस्ट टीम सेलेक्ट नहीं करते ना तो फिर आपके निर्णय भी ठीक नहीं होते हैं। और इस समय पूरन जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं वो बल्लेबाजी का प्रेशर उनकी कप्तानी के ऊपर भी नजर आ रहा है। बहुत ही ऑर्डिनरी डिसीजन उनके जो क्रूशल मैचेस थे उनके साथ, पर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टीम। राइट, वेल निकोलस पूरन एंड टीम, wish you all the best, not the same team. don't wish them the best. चलिए 2016 का जो भारत पाकिस्तान मुकाबला था ये लगातार पांचवीं जीत थी भारत की, तो तब तक ना तो हम ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी हारे थे ना T20 वर्ल्ड कप में, और बहुत सी एड्स भी आने लगी थी कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान हमें हराए। फिर लंबा अंतराल हुआ, कोविड का बहुत असर हुआ कि 16 के बाद 2021 में जाके T20 वर्ल्ड कप हुआ। मनीष, आई थिंक वो एक ऐसा पीरियड था कि सब लोग विश्व भर में वी ऑल सफरिंग एंड यू नो द लॉकडाउन वॉज दी मोस्ट एम्बेरसिंग थिंग दैट कैन हैपन। बहुत सारी टीचिंग्स भी हमें मिली लेकिन इम्पैक्ट स्पोर्ट्स पर ही हुआ सबसे ज़्यादा। और आप देखिए वॉट एन आयरनी कि स्पोर्ट्समैन जो बाहर फील्ड में रहते हैं आप उनको कमरे में अगर बंद कर दो तो कैसा, कितनी देर वो बंद रह सकते हैं। बट स्पोर्ट्स केम बैक, रिवाइवल जो हुआ पोस्ट कोविड टाइम में, जितने भी लॉकडाउन के बाद थोड़े से ब्रेक मिलते थे तो स्पोर्ट्स शुरू ही, फुटबॉल शुरू हो गई, इंग्लैंड ने क्रिकेट शुरू कर दी, वेस्ट इंडीज ने कहा ठीक है हम आएंगे, क्वारंटाइन होना तो कोई बात नहीं, हम दो दो हफ्ते क्वारंटाइन भी करवाओगे तो भी तैयार हैं, लेकिन वी वॉन्ट टू गेट बैक टू द गेम। सो आई थिंक इट वॉज अ गुड थिंग फॉर एवरीबडी टू एटलीस्ट वॉच स्पोर्ट्स हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। व्हाट वाज द वर्ड वी यूज्ड जो क्वारंटाइन में रहते थे, हम क्या कहते थे, कहां पे, बबल में रह के, वो मुश्किल था। मुश्किल था जी, हर किसी की कोशिश थी वो बबल को तोड़ा कैसे जाए। मैं दो बबल में रहा हूँ। अच्छा। जब दुबई में हम IPL में थे, आई थिंक मेंटल फिटी कितनी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि आप बोलने लगे हैं उस बारे में, आप बोलने लगे हैं अगर आपके मन में कुछ हो रहा है तो प्लीज़ किसी ना किसी से ज़रूर बात करें, जिसे नहीं जानते कम से कम उससे भी आप बात करने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप अपने फिजिकल कंडीशंस की तरह या फिजिकल की तरफ ध्यान देते हैं तो आप मेंटल साइड को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और ये एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप है, फिजिकल और मेंटल दोनों एक दूसरे के साथ ही चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के बिना चल सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है फिजिकली, जब आप इतने एक्टिव रहते हैं और आपको रोक दिया जाए, कमरे के अंदर सब कुछ था आपके लिए, मशीन लगाई गई, साइकिलिंग मशीन थी, ट्रेडमिल था, वेट्स थे, सब कुछ था, लेकिन दरवाज़ा हमेशा बंद था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दरवाजा बंद नहीं था, मेंटल जो एक सोच थी ना वो भी बहुत लिमिटेड हो गई थी। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम था स्पोर्ट्स में। वेल, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द क्रिकेटर्स, ऑल द प्लेयर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स दैट यू फेस दैट चैलेंज, एंड लेट्स
एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड दैट कोरोना वर्स्ट इज ओवर, लेट्स प्रे दैट इट डजंट कम बैक अगेन। लेकिन 2021 में फिर कोरोना काल के बीच ही जिस तरह से यूएई में मेजबानी हुई और जिस ओर मुनीश आप इशारा कर रहे थे कि टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन कम रह रहा था, आप स्कोर कार्ड देखिए, यहाँ पर एक ही आंकड़ा है जो आज साल भर बाद भी याद है, मुनीश, शाहीन शाह अफरीदीज ओपनिंग स्पेल। अग्रीड, ही बोल्ड अ वेरी गुड स्पेल। ठीक है, टॉप ऑर्डर को उन्होंने शेक कर दिया था, एक रिकवरी हुई थी विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच में, ऋषभ पंत आउट हो गए, आई थॉट इंडिया वुड हैव स्कोर्ड मच बेटर देन व्हाट दे फाइनली लैंडेड ऑन टू। बट स्पीकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड कप ना, मेरे एक रिजर्वेशन है और बहुत तगड़ा रिजर्वेशन है जी, दैट आई डोंट वॉन्ट कि एक मैच जो है ना टॉस पर डिसाइड हो जाए। मैंने टॉस जीत लिया और 50% तो विक्ट्री मेरे पास आ गई, अनटिल नो अनलेस मैं कोई बहुत बड़ा एक ब्लंडर ना कर दूं। सो हैव दोज गेम्स, द T20 वर्ल्ड कप इन दुबई, एशिया कप दैट वी सॉ, टीम्स परफॉर्म वेल व्हेन दे वन टॉसेस। ये सही है कि पिछले वर्ल्ड कप में और एशिया कप में टॉस जीतो मैच जीतो, 90% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये आपको आंकड़े भी बताते हैं, कई बार आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े सब कुछ सही बयान नहीं करते, लेकिन आप सारे आंकड़ों को गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं, और खासकर इस तरीके के आंकड़े जो। और एक और क्या चीज़ होती है ना, कई बार आप कितना भी बात कर ले मैच से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही सिक्का उछलता है आपके फेवर में नहीं जाता है। देखिए, कई ऐसे ग्राउंड होते हैं जब टॉस हो रहा होता है ना, कोई देख नहीं रहा होता है, सब प्लेयर अपना काम कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, एमसीजी पे उतना ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता। अगर बारिश का माहौल होगा तो फिर आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि हम चेस करना पसंद करेंगे, अगर ओवर कट हो गए तो उन चीज का फायदा उठाएंगे। लेकिन जब ऐसे मैच हो रहे होते हैं ना, तो आप अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक नजर कप्तान पे रहती है कि टॉस जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। वेरी ट्रू, ऐसे मुकाबले होते हैं तो फिर वो आपको बता दें कि जी यहाँ पे एडवांटेज है, नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो पूछ लेते क्या कर रहे भाई, बैटिंग कर रहे हैं चलो कर लो, बॉलिंग कर रहे हैं चलो कर लो, लेकिन इतनी एडवांटेज और वो भी किस फॉर्मेट में। देखिए, फॉर्मेट क्रिकेट में जितना छोटा होता जाता है ना, उतने कमबैक के चांसेस आपके कम होते जाते हैं। इसीलिए जब आप इस फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं और वो एडवांटेज अगर आपने 5-6 ओवर का दे दिया और वो दो अच्छी टीमों के बीच में अगर मुकाबला है, तो फिर वो बहुत बड़ा ज्यादा गैप बढ़ता जाता है। एक सवाल जल्दी से सोशल मीडिया दिखाने से पहले, बाबर आजम और रिजवान की जो साझेदारी रही, अनबीटन 152, अ क्विक वर्ड ऑन दैट पार्टनरशिप। इट्स ओके, आई मीन गो बैक टू 2016, जिसका आप आंकड़ा दिखा रहे थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था, उसके बाद इंडिया सेमीफाइनल खेला था वेस्ट इंडीज से, कहाँ, बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां जो चेस कर रहा उसको पाटा ट्रैक मिल रहा था, एंड दे डिमोलिश्ड इंडियन फास्ट बॉलर्स, एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ फेयर गेम। बोथ ऑफ देम प्लेड अ गुड नॉक, बट दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट दैट क्वालिटी बोलिंग दैट वॉज कम, नॉट बिकॉज ऑफ द बोलर्स, बिकॉज ऑफ द विकेट। आई थिंक इफ यू आर अ क्रिकेट लवर यू नीड टू टॉक, यार अब विकेट में कुछ था ही नहीं, मैं क्या करूं, बोलर्स ऐसा बोलते हैं, सो वी वेंट थ्रू दैट। जी, तो बिल्कुल, तो 6 मुकाबले अब तक खेले हैं और हमने आपको इतिहास के झरोकों से दिखाया कि 5 में भारत विजयी रहा और 2021 में पाकिस्तान ने पहली बार जीत दर्ज की। आज 7वां मुकाबला होना है और आज के मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया में किस तरह की बज है, आइए देखें। तो चलिए, पहला ट्वीट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि जनता आखिरकार क्या कह रही है ट्विटर पर। We can't wait to see the hitman and King Kohli join hands and rack up more runs in this edition of the T20 World Cup. Hardik Pandya says, MS Dhoni once told me, look at the scorecard and play. Not yours, but what the team needs. That has helped me a lot. Come on, Team India. New edition, new hope. Let's bring it home after 15 long years. Made his debut in July and will be playing his first World Cup in October. What a journey for Arshdeep. Left arm, seema. And what is the captain saying? Rohit Sharma said, when I step into the ground, all these things, such as captaining my first ICC event, doesn't matter to me. My focus will be on how we can restrict the opposition. और दोनों विजय और मुनीश ट्वीट्स के वक्त वाह वाह कर रहे थे, अच्छा लगे आपको सोशल मीडिया के? मैं वाह 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 कौन कर रहा था, कर रहा था। <सकासम। laughs> हम तो सिर्फ सोच देख रहे थे किस तरीके वाह वाह नहीं था, ये था। बट गुड इमोशंस, गुड इमोशंस बाय द फैंस। इस कंट्री में बहुत सारे कीबोर्ड टाइगर्स हैं। अच्छा, हाँ, 4:30 बजे सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, डिस्क्राइब। जी बिल्कुल, तो ये जो जो
देशभक्ति या खेल भावना है ना, ये तब तक जगती है जब तक आप जीत रहे हो। और मैं हमेशा कहता हूँ और थोड़ी ठहराव के साथ इस बात को कहता हूँ कि हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन नहीं है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नेशन है। स्पोर्ट्स लविंग नेशन जो होते हैं वो गेम को समझने की कोशिश करते हैं, और समझते हैं ना जब आप गेम को, तो फिर जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ देते हैं। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर हालत में रिजल्ट अपने फेवर में चेंज लाएंगे हम। चेंज हो सकता है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड के बजाय वी अप्रिशिएट द गेम, मे द बेस्ट साइड विन। आई थिंक एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स स्पोर्ट्स विल डू दैट, वेदर यू वाचिंग क्रिकेट, यू वाचिंग फुटबॉल, यू वाचिंग फॉर्मूला 1, आई थिंक यू इट्स द स्पोर्ट दैट, बिकॉज़ आई एम अ यू नो डाई हार्ड फैन ऑफ फॉर्मूला 1. And what happened, a commentator pulled me towards Formula One. When I understood the sport, I said Formula One. And then we got to know about the drivers. Hero building baad mein hui. Abhi yahan jo tweets aapne dikhaya, sabse behtar tweet tha Arshdeep ke baare mein, yes. Which I think, you know, if he made his debut in July and then playing a World Cup, is fantastic. Yes. You know, it's, but then it's just the beginning. So he's got more responsibility on his shoulders that ki India ka jo selectors ka jo think tank hai, wo mere upar bahut faith kar raha hai, to aage chal ke mera career jo hai na bahut lamba hona chahiye. And they give opportunities, mind you. The selectors give you opportunities. Now it's up to you, how do you want to do? And one last thing regarding this, I want to tell you, are Rohit and Virat only the performers of Indian team? There are other players also. Aapne jo sari cheeze dikhai, aapne bola India kaise match jeeta 2007 mein, 12 mein, तो टीम जीतती है, भले ही उस दिन प्लेयर ऑफ द गेम कोई और हो, बट इट्स द टीम दैट विंस। तो जैसे आपने कहा वेस्ट इंडीज डिडंट पिक अप द बेस्ट स्क्वाड, व्हाट अबाउट इंडिया, डू यू थिंक दिस इज अ गुड स्क्वाड बिकॉज़ देयर इज नो बुमरा, देयर इज नो जडेजा? सी, नो बुमरा, नो जडेजा, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द इंजरी। यस, सो आप ये नहीं कह सकते हमने उनको पिक नहीं किया। वहां पे उनके पास प्लेयर्स अवेलेबल थे और उन्होंने पिक नहीं किया। तो ये जितने प्लेयर्स हमने पिक किए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई खिलाड़ी घर पे नहीं रह गया आप कह सकें कि अगर ये होता ना तो हमारे प्लेइंग 11 का ये बेस्ट प्लेयर हो सकता था या ये रिजल्ट चेंज कर सकता था। सो जो वहां पे हैं और जो आप 11 में पिक करेंगे वो बेस्ट है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से वर्ल्ड कप है, हम चाहते हैं क्रिकेट का दायरा बढ़े, तो जो एसोसिएट नेशंस आए हैं उनमें से कौन सी टीम ने आपको प्रभावित किया है मुनीश? मुझे लगता है एसोसिएट वालों ने ना अमित के पास बोला कि भैया हमारे बारे में जरूर शोभे करना। देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, आई कैन पिक अप टीम्स एंड से नामीबिया हैज इंप्रेस्ड मी, बट व्हाट इज द यूज? आप आते हो एक झटका देते हो, बांग्लादेश केम विद अ बैंग, दे क्रिएटेड सम अपसेट्स, बट व्हाट हैपेंड? कंसिस्टेंसी इज द मेन फैक्टर। सो आई थिंक वील लीव इट टू देम टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड देन वील सी। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, नेदरलैंड्स हो गए, स्कॉटलैंड ने भी अपनी एक टीम बना ली, देयर नेशंस कमिंग अप, बट आई लाइक टू यू नो टेक यू नो कीप माय रिव्यू फॉर सम टाइम लेटर। बट वर्ल्ड कप है, दायरा बढ़ना चाहिए खेल का। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के अलावा जो पूरा साल है उसमें दायरा बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए कि नहीं, मैं पूरे साल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि पूरे साल हमें क्या करना चाहिए। कम लोग पढ़ते हैं पूरे साल। नहीं, आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप दिखाई भी नहीं देते हैं। तो उस वजह से मैं यहाँ पे आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसोसिएट नेशंस को आपको कोई ऐसा तरीका बनाना पड़ेगा जो इन टीमों के खिलाफ उस साल में कभी तो खेलें। तो वो जो फाइनल एग्जाम की आप बात करें, सिर्फ एक ही बार तो खेलते हैं, आप दायरा और बढ़ा लीजिए। क्यों आप कह रहे हैं कि जो बड़ी टीमें हैं जो रेगुलर खेलती हैं, जैसे इंडिया स्कॉटलैंड के साथ खेले या आयरलैंड इन छोटे नेशंस के साथ, कुछ ऐसा आप कह रहे हैं प्लान करें? बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे जो कैलेंडर्स हैं कमर्शियली वो चीज़ अलाउ नहीं करता है आपको। लेकिन आप बांग्लादेश या ऐसी जो टीमें हैं, श्रीलंका है या कुछ भी है, या ये हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल सके, कुछ ना कुछ आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट घूम फिर के आगे सिर्फ 4-5 कंट्रीज की रह गई। और ये सवाल मैंने पता क्यों पूछा, क्योंकि आप अगर आईसीसी की T20 की रैंकिंग्स देखोगे ना, तो एसोसिएट टीम के जो प्लेयर्स हैं टॉप 10 में वो है, क्योंकि वापस में कहां कहां खेल के ना उनकी रैंकिंग बढ़ती जाती है, और हमारे T20 के आपस के जो मुकाबले हैं वो बड़े कम है। सो आप गो थ्रू द T20 ऑलराउंडर्स और द बॉलर्स रैंकिंग्स, ये सारे ऊपर मिलेंगे आपको। पर वो मैच इतने खेल जाते हैं ना, अगर आप देखें अमेरिका क्वालिफाई करने से पहले कम से कम 40 मैच, और वो सारे अंतरराष्ट्रीय मैचेस माने जाते हैं। बिल्कुल, तो जब इतने मैच खेलेंगे तो वो रैंकिंग पॉइंट्स, वो नंबर आपके, सो दे आर प्लेइंग, वो मिलेंगे, दे आर प्लेइंग बट अगेंस्ट हु, अगेंस्ट हु, या सो एक व्यक्ति जिसने कल डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, देखिए अब तक इतिहास में आप नजर डालें तो T20 की मेजबानी जिस देश ने की है उसने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, डिफेंडिंग चैंपियन ने कभी नहीं जीता है। तो उम्मीद तो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया शायद ऐसा करेगी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ कल जो इनके सलामी बल्लेबाज आए, मार्टिन गप्तिल नहीं खेल रहे थे, एलन 16 गेंदों पे 42 रन, क्या जबरदस्त शुरुआत की है टूर्नामेंट की। आई थिंक शुरुआत अगर आप देखें तो T20 खेलने का भी तरीका उन्होंने ये बताया कि पहले 6 ओवर के अंदर किसी ना किसी को इस तरीके का एक इनिंग खेलनी पड़ेगी। एक और चीज इसने साबित की है ये कि कितनी भी अच्छी गेंदबाजी हो, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे तो वो आता है उनके ऊपर, और फिर कप्तान कुछ इस तरीके के निर्णय लेते हैं। कल पहले ही ओवर में मिच मार्श की जो फील्ड ली थी फिंच ने, उसने ही बता दिया था कि फिंच थोड़े घबरा गए हैं पहले ओवर के बाद। लेकिन मुनीश, आपको लगता है जिस तरह एशिया कप में भारत पाकिस्तान अब खेले हैं, रीसेंट पास में खेले हैं, दो मुकाबले तो एशिया कप में ही हुए, तो आज का नर्व्स थोड़ी कम रहेंगी अब से कुछ ही पलों में मुकाबला शुरू? देखो, मैं इस सवाल का ना इंतजार कर रहा था
क्योंकि श्रीलंका एशियन चैंपियन और जाके किस तरीके से पहले मैच में ही वो लड़खड़ा गई. सो दिस इज नॉट दुबई, दिस इज नॉट द सब कॉन्टिनेंट जहाँ ड्यू आ गई और जो टीम बॉलिंग कर रही है ड्यू में और वो गई. दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. यस, बिकॉज वी एक्सपेक्ट दैट द मेलबर्न विगर इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट. कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो बिग बैश लीग खेल चुके हैं, उनको वो थोड़ा सा तजुर्बा है. लेकिन इमेजिन इंडिया सीना तान के वहाँ गए हैं आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया, जो टेस्ट की विक्ट्री थी. मैं मानता हूँ टेस्ट की विक्ट्री थी. लोग कह रहे हैं आप T20 में टेस्ट की बात क्यों करते हो. अरे बाबा, इट अपलिफ्टेड द क्रिकेट इन आर कंट्री. उस विक्ट्री, उस दौरे के बाद भी कितने और क्रिकेटर्स पैदा हुए होंगे. हम तो वर्ल्ड कप की बात करते हैं. उस सीरीज विन के बाद कितने लोग पैदा होंगे ये अंदाजा नहीं लगा सकते. लेकिन ये जो जीते हैं ना, ये T20 हो, वन डे हो, 50 ओवर हो, ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप वो मैच जीत गए या डिफरेंट फॉर्मेट में जीत गए. ये ना बार बार से आप चीज़ को, उस चीज़ को दोहराते हैं और फिर से आपको एक वो सेल्फ बिलीव के लिए ना कोई काम आपको दोबारा करना पड़ता है या कोई काम पहली बार करना पड़ता है कि ये पॉसिबल है. तो वो उस तरीके की जीते हैं कि हम कर सकते हैं, घर से बाहर कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं. राइट. लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू रैप अप. यू सेड क्रैकर इज बैंड. सो इफ वी डोंट यूज द एडजेक्टिव क्रैकर ऑफ अ मैच, व्हाट्स द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इंडिया पाकिस्तान मैच? वो आप कर सकते हैं, शब्दों के साथ आप खेल सकते हैं. लेकिन मैं सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके की भारतीय टीम है अपने पोटेंशियल के ऊपर खेलती है और पूरे लाइनअप के अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है वो बहुत बढ़िया है. एक अच्छा मैच, लेकिन आप ये कहेंगे अच्छे मैच सारे ही होते हैं, लेकिन मैं, मुझे लगता है कि इंडिया विल डू रियली वेल. आप क्रैकर्स की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बॉम्ब गिराए हैं एक दूसरे पे, लेकिन उसके बाद जब एक बॉन्डिंग की बात करते हैं ना, लुक व्हाट दे टॉक अबाउट स्पोर्ट. नाउ वी हैव मेल फीमेल फॉलोइंग्स, हर जगह से आपको सपोर्ट आता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड दे से इट्स इंडिया पाकिस्तान, इट्स नॉट अ राइवलरी, दे से इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट. सो आई रिलेट दिस टू यू नो बोथ द कंट्रीज. इट्स हाउ यू लुक एट व्हाट मनीष इज सेइंग. देयर आर लॉट ऑफ पीपल लुक एट इट एज अ गेम, देयर आर फ्यू हु लुक एट इट एज राइवलरी एंड दे मेक द मोर नॉइस. राइट. वेल, कॉल इट द वे यू वांट टू. इट इज सर्टेनली एन इमोशन दैट चार्जेस अप द एटमॉस्फेयर. एंजॉय द गेम एंड एज द गेस्ट सेड दैट स्पोर्ट्स यूनाइट. Let's say no to crackers and celebrate Diwali in an eco-friendly manner. I hope next few hours we'll all enjoy the game of cricket. And to help us understand history and connect it with present, Munish Jolly, Vijay Dahiya, thank you so much for joining us. It's a pleasure, man. Thank you. On the best.